Hello to all who are just watching this video. Okay, and this is the video for the students of class 10th. Okay, from science. Okay, subject science. And this topic is from the chapter heredity and evolution. Okay, so in the previous video, I have covered the monohybrid cross, Mendel's work, law of dominance, law of segregation. Okay, and then Mendel's law. That is law of independent assortment. Okay, that law is just related with the dihybrid cross. ठीक है, मेंडल ने जो नियम दिए थे, जो रूल्स दिए थे, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, दिस वी हैव टू स्टडी. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यदि हम पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी. ओके, दिस इज एप्लीकेबल हियर, राइट. अब नाम ही है जैसा डाई, डाई मीन्स टू. ओके, मीन्स वी विल बिगिन विथ व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इट सेज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, ओके, देन ईच character is independent for its transmission. okay, वो दोनों trait जो हैं अपने आप में independent है अपने inheritance के लिए. okay, means both the traits are getting the equal opportunity. this is okay. जैसे एक example देके, जो example हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो example मैं बताती हूँ. जैसे दो character, okay. चलो मैं पहले उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस को पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ. व्हाट्स दैट? व्हेनेवर वी मेक अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस. इन मोर सिंपल वर्ड्स, और भी आसान वर्ड्स में हो सकता है, व्हेन वी कंसिडर टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम फॉर द क्रॉस. ओके, दीज आर द सिंपल वर्ड्स. ओके, व्हेन वी कंसीडर टू कैरेक्टर्स फॉर द क्रॉस एट अ टाइम, एक बार में हम दो कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. अब वो कौन सा, वी हैव द एग्जांपल, फ्रॉम दैट एग्जांपल वी विल जस्ट अंडरस्टैंड. तो दो दो बातें याद रखनी, डाईहाइब्रिड यानी दो कैरेक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों ही ट्रेट्स या दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए, दोनों ही कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है. किस लिए? इनहेरिटेंस के लिए. सो वी हैव अ गुड एग्जाम्पल. पहले इस एग्जाम्पल को, इज अ समरी, ये पूरा समरी है, इसको डिटेल में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. देखो सबसे ऊपर देखो, पहले दो दो तरीके के जीनोटाइप लिखे हैं. पहले तो जीनोटाइप कौन से लिखे हैं भाई, हमें हर जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी अप्लाई करना होगा. तो पहला जीनोटाइप लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल आर दैट इज फॉर राउंड, ये जीनोटाइप है राउंड. अब राउंड क्या, राउंड सीड के लिए है. ओके, और जो दूसरे तरफ कैपिटल वाई दिया हुआ है वो येलो कलर के लिए है. ओके, अब ये कैपिटल लिखा है, कुछ जगह स्मॉल लिखा है, ऐसा क्यों? जहां डोमिनेंट है उसको कैपिटल लिखना है, और जो रेसेसिव ट्रेट है उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे. ओके, डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रेसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने दो प्लांट्स को कंसिडर किए हैं. एक ऐसा प्लांट है जो राउंड सीड्स बना रहा है और वाई छोटा है, स्मॉल है, इसका मतलब है ग्रीन है. ओके, और दूसरे तरफ वाई डोमिनेंट है, मतलब वो कलर कैसा है, येलो है, और स्मॉल आर है, मतलब कि वो रिंकल्ड सीड्स है, राउंड नहीं है. ओके, सो दैट इज कंसिडर्ड फॉर द क्रॉस. और F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही मिले. ओके, पेरेंट्स जो मिले F1 में वो हेटरोजाइगस होंगे, राइट. और हेटरोजाइगस हैं मतलब डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं उनके पास, राइट. तो ये हेटरोजाइगस हुआ, बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जो अपीयर हुआ है वो राउंड एंड येलो है. सो यू कैन सी, एंड जब F1 जनरेशन को सेल्फिंग अलाउ करते हैं, हम कोई क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं वहाँ, वी अलाउड द सेल्फ पॉलिनेशन ओवर देयर, सो वी गेट इन द F2 जनरेशन. ओके, F2 जनरेशन में हमें जो वेराइटीज मिली, 16 वेराइटीज मिली, 16 टाइप्स जीनोटाइप्स हम इसमें देखेंगे और फिनोटाइप्स भी देखेंगे. तो हम अगली स्लाइड में इसको और
इजी वे में देख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर बना है दिस इज कॉल्ड एज द पुनेट स्क्वायर। ओके, पुनेट ने ये सजेस्ट किया था, दिस इज इजी इजी टू ड्रॉ एंड टू अंडरस्टैंड। हम बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो अब ये दोनों तरफ जो दिए हैं वो गैमेट फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, और गैमेट फॉर्मेशन में देखेंगे कि देखो जब राउंड सीड होगा, दो एक तरफ पे मेल गैमेट्स होते हैं और दूसरे तरफ मींस यदि हॉरिजॉन्टल में हम मेल गैमेट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो वर्टिकल में फीमेल गैमेट्स हैं। और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, सो वी हैव मेंशनड हियर गैमेट्स। ओके, सो ईच गैमेट इज कैरिंग वन आर एंड वन वाई, इट मे बी कैपिटल और द स्मॉल, मीन्स मे बी डोमिनेंट और द रेसेसिव वन। सो बाय द फ्यूजन वी गेट सच काइंड ऑफ जीनोटाइप्स। ओके, सच काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स। ओके, अल्टरनेटिव्स दे आर शोड हियर। सो यू कैन सी हियर द डिफरेंट कलर्स आर ऑल्सो शोन। सो द कलर इज जस्ट यू कैन फाइंड, यू विल जस्ट ऑल दीज आर जीनोटाइप्स। इसमें फिनोटाइप के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, राइट? फिनोटाइप को हम पता कर सकते हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू दिस, इफ देयर इज अ सिंगल कैपिटल आर, सिंगल और डबल, ओके, देन दैट विल बी राउंड, एंड इफ देयर इज सिंगल कैपिटल वाई और डबल देन दैट विल बी येलो, बट इफ देयर इज नॉट अ सिंगल वन कैपिटल वन एंड दैट इज स्मॉल ओनली, सो दैट विल नॉट बी राउंड एंड येलो वन। ओके, तो वो ऐसा नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, राउंड की जगह क्या होगा, रिंकल्ड हो जाएगा और येलो कलर की जगह जो है वो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो जितने इसमें ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं फर्स्ट वाले पुनेट स्क्वायर में, ओके, तो उन सारे जीनोटाइप्स में एटलीस्ट एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, मीन्स ऑल दीज विल बी, कैसे होंगे ये, जहां जहां एक कैपिटल आर और वाई है ये सारे के सारे राउंड एंड येलो होंगे। तो यू कैन काउंट देयर कि दे आर टोटल नाइन। ओके, नाइन आर देयर, तो नाइन कैसे हैं, राउंड एंड येलो। एंड देन यू कैन सी देयर थ्री पिंक आर देयर, तो थ्री पिंक इज हैविंग द कैपिटल आर, वन एटलीस्ट कैपिटल आर, वन और टू, बट नो कैपिटल वाई, तो वाई नहीं है मतलब येलो नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, येलो नहीं होगा तो ग्रीन होगा, राइट? तो वो राउंड एंड कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। तो राउंड एंड ग्रीन हाउ मेनी वी ऑब्टेन, दैट इज थ्री, राइट? फिर नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लू कलर की तरफ। तो ब्लू कलर में हम देखते हैं तो उसमें एक भी कैपिटल आर नहीं है, ओनली कैपिटल वाई इज देयर, वन और टू, सो कैपिटल आर इज नॉट देयर, इट मीन्स दैट विल नॉट बी राउंड, सो इट विल बी रिंकल्ड। ओके, वो रिंकल्ड होगा, और कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा, येलो होगा। तो थ्री कैसे है, रिंकल्ड एंड येलो, एंड वन येलो से दिखाया है जिसमें एक भी कैपिटल आर भी नहीं है, वाई भी नहीं है, तो ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं, तो ये होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन विच इज ऑब्टेंड एज वन इन रेशियो। सो ओवरऑल जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1, किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, F2 डाई हाइब्रिड, F2 प्रोपोर्शन क्या है फिनोटाइप का, 9:3:3:1। ओके, सो दिस इज द समरी कि ऐसा कब होता है। तो वो मैंने पहले ही बताया कि राउंड एंड येलो, दीज सीड्स आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ओके, तो हमने जो हमें इसमें से दो पेरेंटल ट्रेट हुए तो हमें दो नए कॉम्बिनेशन मिले थे उसमें, जैसे हमने पेरेंट्स जो लिए थे वो राउंड एंड येलो। ओके, वी हैव टेकन द राउंड एंड द येलो वन पेरेंट एंड द अदर वन वॉज रिंकल्ड एंड ग्रीन, दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राइट? बट वी ऑब्टेन टू मोर न्यू recombinations, okay, that is round with the green and wrinkled with the yellow, these two new combinations we have obtained. Thank you.